हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैष्णवी और आज हम देखेंगे थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर। तो अगर आपने अब तक थ्रेड्स के बारे में सुना नहीं है तो थ्रेड्स जो है एक मेटा ने लॉन्च किया हुआ एप्लीकेशन है। आप थ्रेड्स को एंड्रॉइड आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये जो है ये डेस्कटॉप के लिए अब तक अवेलेबल नहीं है। थ्रेड्स जो है 6 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। तो आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? आप इसको डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो इंस्टाग्राम यूजर नेम है आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है वहां पे भी ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्रेड्स कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको आपके इंस्टाग्राम पे जाना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो आप पहले आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अपडेट कीजिए, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का जो इमेज है वहां पे जाना है। उसके बाद आपको राइट अपर साइड पे आपको जो 3 लाइंस दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड्स न्यू, ये जो है न्यू अपडेट है। तो आपको ये जो 2nd नंबर पे थ्रेड्स ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट थ्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गेट थ्रेड्स पे तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या आप इसको आपको जो जो फीचर्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पे बता रहा है। कीप योर यूजर नेम, ओके, फाइंड योर फॉलोअर्स, कनेक्ट ओवर कॉन्वर्जेशन, शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन ओपन सोशल नेटवर्क, सेट द टोन। ओके, आप इसमें जो फीचर्स है अच्छे से यूज कर सकते हैं। थ्रेड्स जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो आप इसको सेम ट्विटर के जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ट्विटर था सेम ये उस टाइप का है। तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये जो है ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। थ्रेड्स एप्लीकेशन एक अलग एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम से। आप इंस्टाग्राम पे इमेज, वीडियो, रील्स पोस्ट कर सकते हैं, बट थ्रेड्स पे आप टेक्स्ट कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं। ओके, ये जो है ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन विथ इंस्टाग्राम। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं इस पे क्लिक करूंगी। ये जो आपको आइकॉन दिख रहा है इंस्टाग्राम का, आप अगर उस पे क्लिक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उस पे क्लिक करूंगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेम बायो लिंक। ओके, तो आप नेम जो है आपका वैष्णवी, यहाँ पे मेरा है वैष्णवी टेकबीज, तो जो मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का तो वही है यहाँ पे। उसके बाद आप बायो में आपका जो बायो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर है तो आप यूट्यूब का लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप यहाँ पे आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो बायो का है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बायो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बायो लिखने के बाद, एक सेकंड में आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ थोड़ा। हेलो एवरीवन, ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे टिक का जो ऑप्शन है इस पे टिक करूंगी। उसके बाद अगर आपके लिंक है तो अगर मैं लिंक पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको ये लिंक का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप आपके लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करना है तो वहां पे लिंक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम उस पे क्लिक करना है। आर यू श्योर इंपोर्टिंग योर इंस्टाग्राम डिटेल्स विल रिप्लेस एनी एडिट्स यू हैव मेड, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अगर ये जो आप श्योर है इसके रिलेटेड तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी के लिए ऑप्शन है पब्लिक प्रोफाइल। तो पब्लिक प्रोफाइल पे क्या होता है, अगर आपके प्रोफाइल पे कोई भी विजिट करता है तो वहां पे आपने जो कंटेंट शेयर किए हैं वो वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट प्रोफाइल में क्या होता है, प्राइवेट प्रोफाइल में आपके जो फॉलोअर्स हैं जिनको आपने अप्रूव किया है सिर्फ वही आपके कंटेंट देख सकते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैं पब्लिक प्रोफाइल रखूंगी, उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मैं फॉलो ऑल पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन थ्रेड्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ थ्रेड्स टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, अगर आपको थ्रेड्स के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो अच्छा है, अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए तो आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अलाउ करूंगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे जो है पोस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। ओके, ठीक है। जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ उसके बाद 7 घंटे के अंदर इसके जो डाउनलोडर्स थे वो 10 मिलियन प्लस थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड्स जो है उसको कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको किसी को सर्च करना है तो यहाँ पे जो आपको ये सर्च बार दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी करके उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ये थर्ड नंबर का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू थ्रेड, अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आपके तो यहाँ पे आपको पूछेगा अलाउ थ्रेड्स टू एक्सेस फोटोज एंड वीडियोस ऑन दिस डिवाइस, तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। ओके, तो ये जो है आपके सामने ये कुछ इस तरह से शो होगा, तो अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट करके डन पे क्लिक करूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद एनीवन कैन रिप्लाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनीवन प्रोफाइल्स यू फॉलो मेंशन ओनली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से आपको जो चाहिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड टू थ्रेड, ओके, इस पे आकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे ये इमेज है, अगर आपको पोस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट पे, आपको उस पे क्लिक करना है तो आपका जो ये इमेज है वो थ्रेड्स पे पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये नहीं करना है तो इसको मैं कट करूंगी। ओके, यहाँ से डिस्कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आपके मतलब एक्टिविटीज देख सकते हैं, आपने आपको किसने रिप्लाई किया है, आपको किसने मेंशन किया है। ओके, इस तरह से, और अगर आप ऑल में आएंगे तो आपको सब एक्टिविटीज जो हो रहे हैं वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैष्णवी टेक दिस। ओके, तो मेरा जो इंस्टाग्राम यूजर नेम था वो भी वैष्णवी टेक दिस ही था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 फॉलोअर्स। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट अपर साइड पे जो ये लाइंस दिख रहे हैं, आप यहाँ पे आपके जो थ्रेड्स एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्राइवेसी चेक कर सकते हैं, आप आपका अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपने जिनको फॉलो किया है आपके इनवाइट फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे है आप यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे अब यहाँ पे पूछेंगे कि आपको इंस्टाग्राम पे कैसे जाना है, तो बहुत ही सिंपल है ये जो थ्रेड्स एप्लीकेशन है, ये तो मुझे बहुत इजी टू यूज लगा। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो ये लोगो दिख रहा है इंस्टाग्राम का, ओके, तो आपको उस पर क्लिक करना है, तो आप जो है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी आपको थ्रेड्स पे कैसे जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन था जो हमने डाउनलोड किया था आपको उस पर क्लिक करना है। ओके, तो आप यहाँ पे आपका जो अकाउंट है थ्रेड्स का यहाँ पे आ जाएंगे। तो थ्रेड्स एप्लीकेशन जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपको इसके बारे में क्या लगता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आने वाले जो न्यू वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।